हाय दोस्तों, आज की मूवी का नाम है बास्टर्ड, जो 2019 में रिलीज हुई एक साइकिक थ्रिलर मूवी है। मूवी 17 साल के डैन के उल्टी करने के साथ शुरू होती है। ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो उल्टी कर रहा है। उसका भाई रॉबी और वास उसे कार से घर छोड़ने के लिए जाते हैं और तीनों ने खूब पी रखी होती है और कार डिसबैलेंस होने की वजह से पानी में गिर जाती है। डैन और वास बच जाते हैं, लेकिन रॉबी की पानी में डूबने की वजह से डेथ हो जाती है। इस इंसिडेंट को 2 साल बीत चुके हैं। अपने बेटे रॉबी की मौत से उसकी मॉम नीना अभी तक सदमे में है। नीना एक डॉक्टर है, लेकिन रॉबी की मौत की वजह से वो खुद डिप्रेशन में है और उसने जॉब भी छोड़ दी है। डैन अपनी मॉम को रॉबी की टी शर्ट उतारने को कहता है, जो पहनकर सो रही थी। नीना और डैन अभी तक रॉबी की वजह से सदमे में है। फिर हमें उनके घर का स्विमिंग पूल दिखाया जाता है, जिसमें पानी नहीं है, शायद इस वजह से, क्योंकि रॉबी की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी। फिर वो दोनों मॉल जाते हैं, जहां राजा नाम का एक सड़क छाप लड़का उनकी कार साफ करने लगता है। डैन उसे गुस्से से मना करता है, लेकिन राजा कहता है कि वो कार को अच्छे से चमका देगा। नीना राजा को पैसे देने लगती है। मॉल में उन्हें पुलिस अधिकारी ल्यूक मिलता है और हालचाल पूछता है। नीना और डैन जब बाहर आकर कार में बैठते हैं, रिवर्स करते वक्त राजा उनकी कार से टकरा जाता है। डैन राजा को हॉस्पिटल जाने को कहता है। राजा के पास दवा दारू के पैसे नहीं होते। नीना उसे अपने घर ले आती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। फिर वो वही खाना खाता है और डैन उसे देख रहा होता है। राजा कहता है उसने कई दिनों से गर्म खाना नहीं खाया था। फिर नीना उसे बताती है कि ये नूडल्स डैन ने बनाए हैं। डैन हाथ धोने जाता है, तभी नल का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से पानी निकलने लगता है। नीना रॉबी की फोटो वहां से हटाने के लिए कहती है, ताकि पानी की वजह से वो खराब ना हो जाए। राजा नल ठीक कर देता है। फिर नीना उसे अपने बेटे रॉबी के बारे में बताती है। राजा भी अपने बारे में बताता है कि जब वो 5 साल का था, उसकी माँ मर गई थी। रात होती है, डैन रॉबी की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है, इसलिए वो हर रात अपने दोस्त के साथ फाइट करता है और अपना गुस्सा निकालता है। जब वो घर आता है तो देखता है राजा डॉग्स के साथ है और उन्हें खाना खिला रहा है, और वो भी कुत्तों का खाना खा रहा होता है। अंदर आकर डैन अपनी मॉम को रोते हुए सुनता है। वो रॉबी की टी शर्ट पकड़ कर रो रही थी। डैन वहां आता है और नीना राजा को उनके साथ रहने के लिए डैन से पूछती है। डैन मना कर देता है, क्योंकि राजा उनके लिए अनजान है। लेकिन जब डैन सोकर उठता है, वो देखता है कि राजा उनके घर की मरम्मत कर रहा है। नीना ने राजा को उनके साथ रहने के लिए बुला लिया था। डैन अपने पापा को फोन करता है। डैन का पापा नीना के साथ नहीं रहता। जब वो आते हैं और राजा के बारे में पूछते हैं, तो नीना कहती है वो दिन भर अकेले घर में नहीं रह सकती और तुम भी यहाँ नहीं रहते। वो कहता है इन सब में राजा का क्या सीन है। वो राजा को उसके काम के पैसे देता है और कहता है आज तुम यहाँ रुक सकते हो। रात में डैन देखता है कि राजा घर के अंदर ही खुले में टॉयलेट कर रहा था। जब डैन अपने पापा के साथ होता है, उसे पता चलता है कि नीना हॉस्पिटल में एडमिट है। वो बेहोश हो गई थी और राजा ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। इन सब के पीछे डैन को राजा की साजिश लगने लगती है, लेकिन डैन का पापा कहता है वो इस समय राजा को जाने के लिए नहीं कह सकते। डैन राजा से पूछता है तुम क्या चाहते हो। राजा जवाब देता है कि उसकी मॉम ने उसे रुकने के लिए कहा है। डैन कहता है लेकिन तुम मना कर सकते थे। राजा कोई जवाब नहीं देता। नीना रॉबी का कमरा राजा को रहने के लिए दे देती है, लेकिन डैन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। रात में डैन राजा के कमरे में झांक रहा होता है और वो देखता है कि राजा बेड के नीचे सो रहा है। अगले दिन जब राजा स्विमिंग पूल साफ कर रहा होता है, डैन उसके बैग की तलाशी लेने लगता है। तभी वहां उसके पापा आ जाते हैं और उसे डांटते हैं, और फिर वो देखते हैं कि राजा नीना के साथ मस्ती कर रहा है। स्विमिंग पूल में राजा फिर से पानी भर देता है। राजा स्विमिंग पूल में होता है और डैन को भी स्विमिंग करने को कहता है। डैन मना कर देता है, जिस पर राजा उसे चिढ़ाता है। नीना राजा से कहती है कि अगर उसने मना कर दिया है तो क्यों पीछे पड़े हो। रात में सब डिनर कर रहे होते हैं, तभी वहाँ जॉन नाम का एक लड़का आता है, जो नीना का लवर था, लेकिन नीना अब उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। जब डैन और उसके पापा जॉन को वहां से जाने के लिए कहते हैं, और जब वो अंदर आते हैं तो देखते हैं कि राजा नीना को दिलासा दे रहा है। राजा का इस तरह से नीना को छूना डैन और उसके पापा को पसंद नहीं आता। कुछ दिनों बाद डैन के पापा चले जाते हैं और राजा और नीना घर पर दारू पीकर सेलिब्रेट करते हैं, और वो स्विमिंग पूल के पास ही सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर डैन आता है और राजा को अपने साथ चलने को कहता है, और फिर वो उसे खंडर जैसे घर में लेकर आता है, उसे खूब मारता है। अगले दिन राजा के शरीर में बहुत सारी चोटें लगी होती हैं और नीना उसकी चोटों पर मरहम पट्टी कर रही होती है। डैन बाहर से उन्हें देख रहा होता है। राजा नीना को बताता है कि स्कूल टाइम में उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और एक दिन स्कूल वालों ने उन्हें पकड़ लिया और उसकी गर्लफ्रेंड को स्कूल से निकाल दिया। उसकी गर्लफ्रेंड दरअसल एक स्कूल टीचर थी, जिसकी उम्र लगभग 51 साल की थी। ये सुनकर नीना को बहुत अजीब लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड दरअसल एक बुढ़ी औरत थी। तभी बाहर पुलिस ऑफिसर ल्यूक आ जाता है। वो दरअसल राजा की कंप्लेंट दर्ज करने आया था कि राजा के साथ कल रात क्या हुआ था। राजा डैन से कहता है कि वो बता देगा कि कल रात डैन ने उसे पीटा था, लेकिन जब ल्यूक उसका बयान दर्ज करता है, राजा झूठ बोलता है कि किसी अनजान लड़के ने उसे पीटा है।
सुबह लीना, राजा और डैन मॉल जाते हैं। वहाँ लीना अपना फेस एक शीशे में देख रही होती है, तभी वहाँ जॉन आ जाता है। लीना डर जाती है, डैन जॉन को बाहर लेकर आता है, लेकिन तभी पीछे से राजा आकर जॉन को काफ़ी मारता है और वहाँ से जाने को कहता है। ये देखकर डैन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। घर पहुंचकर नीना राजा को एक बॉक्सर गिफ्ट करती है और डैन राजा के कमरे में झांक रहा होता है। नीना के जाते ही राजा अपनी जीन्स उतार कर उन बॉक्सर्स को पहन लेता है और मास्टर बैटिंग करने लगता है। ये सब डैन देख लेता है और डैन को देखते हुए राजा देख लेता है। डैन छुप जाता है। अगले दिन वो तीनों पोटिंग करने जाते हैं और राजा नीना को चप्पू चलाने को कहता है। नीना कहती है उसे नहीं आता। राजा कहता है मैं सिखा दूंगा। नीना राजा के पास आकर उसकी गोदी में बैठ जाती है और चप्पू चलाने लगती है। ये देखकर डैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि राजा उसके सामने उसकी मॉम को छू रहा था। दोनों में लड़ाई हो जाती है। राजा डैन को पानी में गिरा देता है और बचाने भी खुद ही जाता है। जब वो दोनों वापस बोट पर आते हैं, नीना राजा को डैन को पानी में धक्का देने की वजह से राजा को थप्पड़ मार देती है। रात में राजा और नीना साथ में टीवी देख रहे होते हैं। राजा नीना से कहता है वो सोने जा रहा है और नीना को किस करता है। नीना को ये अच्छा नहीं लगता। डैन राजा के बारे में छानबीन करने लगता है और उसे राजा के बारे में एक न्यूज़ ऑनलाइन मिलती है कि राजा ने एक औरत का खून किया है। जब राजा नहा रहा होता है, डैन राजा का फ़ोन चुरा लेता है। राजा को पता चल जाता है और वो बिना कपड़ों के ही नीना के पास आ जाता है और अपना फ़ोन मांगता है। नीना कहती है उसे नहीं पता उसका फ़ोन कहाँ है। वो डैन के सामने ही नीना के बूब्स दबाने लगता है। डैन राजा को उसका फ़ोन लौटा देता है। तभी राजा के आर्म्स में एक टैटू बना होता है जिसमें एक नाम और डेट लिखी होती है। डैन ट्रेन से एक आदमी के पास जाता है और उसे पता चलता है कि इस आदमी की वाइफ के पीछे राजा पागल था और जब उसकी वाइफ ने राजा से रिश्ता तोड़ना चाहा तो राजा ने उसे मार दिया। लेकिन राजा ने पुलिस को ऐसा शो किया कि उसकी डेथ कार का संतुलन बिगड़ने की वजह से हुई थी। वो वापस घर लौटता है और देखता है कि राजा उसकी मॉम के साथ बाहर लॉन में इंटीमेट हो रहा था और उसकी मॉम कह रही थी मुझे छोड़ दो। डैन चाकू से राजा की पीठ पर हमला करता है और राजा मर जाता है। फिर वो उसकी बॉडी को अपने फ्रेंड की मदद से जंगल में जाकर गाड़ देता है। वापस आकर नीना डैन को अपने हाथों से नहलाती है। तभी डैन का पापा आ जाता है और कहता है ल्यूक आया है और राजा के बारे में पूछ रहा है। उसको पता चला है कि उसने कई मर्डर किए हैं। नीना और डैन ल्यूक को बताते हैं कि राजा कल रात यहीं था लेकिन सुबह से पता नहीं कहाँ है। लेकिन डैन के पापा को उनकी बातों पर शक हो जाता है। डैन अपने घर में लगे सिक्योरिटी कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक करता है। उसे पता चलता है कि नीना राजा को घर से जाने के लिए कह रही थी क्योंकि उसे लगता था कि पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है और लीना ने ही राजा को उसके साथ इंटीमेट होने की परमिशन दी थी। उन दोनों के बीच नाजायज रिश्ता था। ये देखकर डैन को नीना पर काफी गुस्सा आता है। देखिए वो सीढ़ी को तोड़ देता है और स्विमिंग पूल के पास आ जाता है जहां नीना लेटी हुई है। डैन स्विमिंग पूल में कूद जाता है लेकिन हम उसे वापस निकलते हुए नहीं देखते। शायद उसने सुसाइड कर लिया था और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टाटा।